दोस्तों, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं इमरान सैफी, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सुगर कैन के अंदर जो गन्ना होता है, जो गन्ने की जो किसान बुआई करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन का क्या प्रभाव है, नाइट्रोजन का क्या प्रयोग होता है, नाइट्रोजन के कारण आपकी जो फसल है उससे क्या वृद्धि होती है और क्या उस पर प्रभाव पड़ता है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं सुगर कैन, जो हमारी गन्ने की खेती होती है, हम जो नाइट्रोजन का जो प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अब हम ये हमारी जो खेती है, ये शुगर कैन की खेती है। तो दोस्तों, जब शुगर कैन की खेती जब आप शुगर कैन की खेती को बोते हो तो आप 10 या 15 डेज बाद आपका जो प्लांट है जो वो ग्रो करता है, उसकी बढ़वार होती है तो आप देखते हो कि कुछ आपका जो यील्ड है, आपकी जो पूरी खेती है तो उसके अंदर आपको कुछ, जब आपका वो अंकुरण होता है तो आप देखते हो कि कुछ प्लांट, जैसे आप ये शुगर कैन की खेती है, आप देख रहे हो जैसे ये प्लांट छोटा है और ये कुछ प्लांट आपके बड़े हैं। तो ये क्या कारण है कि ये एक समान जो अंकुरण होना चाहिए, जब ये खेती एक साथ हुई हुई है, जो शुगर कैन, जो इसका बीज है, आपने एक साथ इनको एक ही तापमान, एक ही टेम्परेचर के अंदर, इसको भूमि के अंदर आपने इसको बोई है। तो दोस्तों, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है कि आपको ये देखना चाहिए कि ये जो प्लांट है ये कुछ ग्रो कम कर रहा है और ये कुछ प्लांट है जो बड़े साइज में हो रहे हैं तो ये कुछ ग्रो कर रहे हैं। तो क्या कमी है, क्या कारण है कि ये एक समान प्लांट जो है इस खेत के अंदर एक समान प्लांट क्यों नहीं है। तो दोस्तों, हमारा इसके अंदर जब हम भूमि बोते हैं, जब हम शुगर कैन की खेती करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी खेत के बारे में जानना चाहिए। जो हमारी भूमि है जिसके अंदर हम शुगर कैन की खेती कर रहे हैं, तो हमें उसके अंदर कुछ ऐसे उद्योग, ऐसे कुछ हमें उस रासायनिक द्वारा या कुछ भी आपको जो करना चाहिए। तो हमें जो प्लांट है हमारे, अब इसको जो नाइट्रोजन की जो कमी है, जब हम खेती बो देते हैं, तो अब दोस्तों मैं जो करना है, अब ये प्लांट है हमारा, इसके अंदर ये छोटा प्लांट है, ये बड़ा प्लांट है। तो दोस्तों, जब शुगर कैन की खेती बो देते हो तो 10 या 15 दिन बाद आपको नाइट्रोजन 45% मतलब एकड़ के उससे या चार से पाँच किलोग्राम एक एकड़ मतलब एक बीघा या 20 से 25 किलोग्राम एक हेक्टेयर द्वारा आपको अपनी भूमि में लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप देख सकते हो इसका जो रिजल्ट आता है, आप देख सकते हो कि ये जो प्लांट आ रहे हैं आपको जो पूरी खेती जो इस भूमि के अंदर आपको शो कर रहे हैं, तो ये आपको कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े प्लांट है। तो हमें इनको एक समान लेने के लिए, तो हमें भूमि के अंदर हमें नाइट्रोजन लगानी चाहिए। और दोस्तों, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और आपको मैं दे देता हूँ, जो जब हम शुगर कैन की खेती करते हैं तो आप देखते हो कि अपनी खेती के अंदर कहीं ये एरिया आपको शो कर रहा है, ये जो एरिया है ये आपको शो कर रहा है, ये किस कारण हो रहा है। तो ये जो आपका जो शो है, ये किस कारण हो रहा है, तो ये भी हमारी नाइट्रोजन की कमी के अंदर है। कुछ हमारे जो बैक्टीरिया है, जो हमारी भूमि के अंदर लक्षण पाए जाते हैं, जो हमारी भूमि उपजाऊ है, जिसके अंदर जिंक है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इतने सारे हमारे कुछ ऐसे पदार्थ हमारे भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा हमारी जो ग्रो, जो प्लांट जो हमारा ग्रो होता है, वो इन्हीं कारण होते हैं। जब हमारी हमारे भूमि के अंदर, हमारी सोयल के अंदर, जो हमारी मिट्टी होती है, उसके अंदर जब नाइट्रोजन की जब
कमी होती है तो हमारे खेत के अंदर आप कोई भी क्रॉप्स ले लो, कोई भी क्रॉप्स अगर आप लेते हो, अगर आप उसको बोते हो, तो हमारे यही कारण होता है कि नाइट्रोजन के कारण यही कारण होता है नाइट्रोजन के कारण जो हमें आप शो कर रहा है। देखो ये जो खेती है, देखो ये सारे इसके अंदर ये भूमि है ये सारी जितनी भी है ये खाली पड़ी है, तो जो भी है ये नाइट्रोजन के कारण हो रहा है जो भी है। तो दोस्तों आज फिर हमको एक बहुत इम्पोर्टेंट और चीज़ बताने जा रहे हैं, जो नाइट्रोजन की जो कमी होती है तो हमारा जब प्लांट 10 से या 15 या 20 दिन बाद जब ग्रो हो जाता है तो आपको प्लांट देखने के लिए कुछ ऐसे प्लांट भी आपको उपलब्ध होते हैं। ये प्लांट आप देखो, ये प्लांट आपका सूख रहा है, ये जो पीला पड़ रहा है ये प्लांट जो है आपका, ये प्लांट, ये जो शुगर कैन का जो प्लांट है जो ये पीला पड़ रहा है, तो इसके अंदर भी हमारी नाइट्रोजन की ही कमी होती है। जब हमारी सोयल के अंदर नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो हमारा प्लांट की ग्रो रुक जाती है, डेवलपमेंट उसका रुक जाता है। सोयल के अंदर कुछ कारण के कारण हमारी जो प्लांट उभरता है, जो हमारा अंकुरण होता है, जो सीड जो अंकुरण होता है, तो नाइट्रोजन का इतना इसका इफेक्ट होता है कि उसको उभारने के लिए, उसको एक समान प्लांट, एक समान उसको उभारने के लिए, ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, तो ये जो भूमि है आपकी, जो सोयल है, जो आपके कुछ प्लांट एक साथ समान नहीं है, छोटे बड़े हैं या आपकी पीले पड़ रहे हैं, तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी किसान हो जो खेती कर रहा है तो सबसे पहले ये देख ले कि हमारी ज़मीन के अंदर किस चीज़ की कमी है, और उसके बाद जब आपका 10 से या 15 दिन या 20 दिन बाद आपकी जब शुगर कैन की खेती, जब प्लांट उभर जाए, ग्रो हो जाए, तो दोस्तों उसके अंदर ये देख ले कि हमारा प्लांट कितना डेवलप हो रहा है, कितना ग्रो हो रहा है। और उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन डालनी है तो किस तरह से डालनी है। तो नाइट्रोजन डालने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो एक एकड़ या एक बीघे के अंदर, एक जो बीघा होता है उसके अंदर 4 से 5 किलोग्राम या 20 से 25 किलोग्राम एक हेक्टेयर के द्वारा आपको जो नाइट्रोजन 45% जो सोयल के अंदर 40% की जो 45% आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, वो आपको उपलब्ध करानी चाहिए। और जैसे ही 10 से या 15 दिन बाद शुगर कैन की खेती, जो आपका प्लांट उभर जाए, उसके बाद आपको ये खूड़ आप देख रहे हो, आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ जब भी आप नाइट्रोजन अगर आपको अपने खेत में, अगर आपको सोयल या आपको भूमि के अंदर आपको डालनी है, तो आप ये देख लो कि आपको जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, इसके जो प्लांट है, ये जो खूड़ आ रहे हैं, ये दोस्तों जो ये खूड़ आ रहे हैं, आपको नाइट्रोजन इसके सहारे जो थोड़ी सी नाइट्रोजन है वो आपको डालनी है। और पूरे खेत के अंदर आपको, अगर आप देख पाते हो कि हमारे नाइट्रोजन की हमारे खेत में कमी आ रही है, तो दोस्तों इसका नाइट्रोजन का उपलब्ध करके, नाइट्रोजन का प्रयोग करके, तो आप अपनी शुगर कैन खेती को आप बचा सकते हो और अपनी एक अच्छी पैदावार, बहुत अच्छी शुगर कैन की खेती, बहुत अच्छी आप पैदावार कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इमरान सैफी, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस माय चैनल को माय सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। और ये शुगर कैन की खेती के बारे में इम्पोर्टेंट आपको मैंने बहुत महत्वपूर्ण आपको बताया है, तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।